राजस्थान में चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल के बीच कल नामांकन की आखिरी तारीख, लेकिन इससे पहले भाजपा पर जिस तरीके का विश्वास किया जाता है वही एक बार देखने को मिला। एक वरिष्ठ पत्रकार के ऊपर भाजपा ने एक सिविल लाइन जयपुर की सिविल लाइन विधानसभा से विश्वास जताया। हमारे साथ हैं महानगर के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार गोपाल शर्मा जी। गोपाल जी, बड़ी बात है कि भाजपा ने आपके ऊपर एक बड़ा विश्वास जताया है और एक पत्रकार के ऊपर, कैसे देखते हैं? देखिए, पत्रकार स्वाभाविक रूप से ईमानदार होता है और भारतीय जनता पार्टी जैसी निष्ठावान पार्टी, भारत माता के लिए समर्पित पार्टी एक पत्रकार के ऊपर विश्वास जताती है तो यह एक स्वाभाविक कर्म है। उन्होंने वही किया है जो उनको करना चाहिए था। बड़े मुद्दे क्या रहने वाले हैं, जिस तरीके से आप अभी बता रहे थे कुछ मुद्दे, तो सिविल लाइन्स को लेकर बड़े मुद्दे क्या रहने वाले हैं, वो शॉर्ट में आप बता दीजिए। देखिए, सिविल लाइन के लिए वही मुद्दे हैं जो राजस्थान के लिए मुद्दे हैं। एक तो यह चुनाव ईमानदारी बनाम भ्रष्टाचार का चुनाव है, जिसमें जनता को यह चुनना है कि उसे क्या करना है जो वह जानती है। दूसरी चीज है कि यह चुनाव इस चीज का है कि जयपुर राजस्थान की राजधानी है और सिविल लाइन्स उसका गढ़ है। सिविल लाइन्स का मतलब है जहां सरकार रहती है, जहां पर इस तरह के लोग रहते हैं जो गरीब हो सकते हैं, जो कम पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, लेकिन उनका स्वाभिमान किसी से कम नहीं है, उनकी इच्छाएं किसी से कम नहीं है, उनकी देश के प्रति श्रद्धा किसी से कम नहीं है। तो ऐसी जनता के बीच में उनके चरणों में जाने का अवसर मिला है, इसको मैं बहुत प्रभु की कृपा मानता हूँ, गोविंद देव जी की कृपा मानता हूँ, चांद पोल हनुमान जी की कृपा मानता हूँ, मोती डूंगरी गणेश जी की कृपा मानता हूँ, सांगा बाबा की कृपा मानता हूँ, और साथ ही विश्व के नेता प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी सहित राष्ट्रवादी संगठनों के करोड़ों कार्यकर्ताओं का प्रेम और सिविल लाइन की सिविलियन जनता का लगाव, इनके प्रति कृतज्ञ हूँ। और कभी भी किसी भी अवसर के ऊपर किसी भी एक नागरिक की आंखें कभी यह नहीं सोच पाएगी कि हमने जिस व्यक्ति को अपना भाई बनाया है, जिसको मौका दिया है, वह कोई गलत कार्य में कभी लिप्त नहीं पाए जाने वाला है। भगवान राम ने कहा था कि न भीतो मरणादस्मि केवलम दूषितो यसः, मैं मरने से नहीं डरता, केवल यश के दूषित होने से डरता हूं। तो यह अर्थ है उन जनता के लिए जो जनार्दन है कि यश को दूषित नहीं होने दूंगा, आपके चरणों में रहूंगा। हजारों लोगों का बाहर ताता लगा हुआ है, आप बधाई लेने जाएंगे, बधाई देने वाले भी हैं। मेरा एक आखिरी सवाल, इस राजस्थान में और भाजपा की सरकार, यदि भाजपा से आपको टिकट मिली है, बदलाव आता है, भाजपा की सरकार बनती है, तो क्या बदलाव देखते हैं दोनों में आप, ये आखिरी सवाल? बदलाव सारी दुनिया देख रही है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी जहां पर कदम रखते हैं वहां बाइडन, पुतिन और जिनपिंग को ठिठकना पड़ता है। आज हमारी सीमाओं की तरफ कोई देख नहीं सकता। हम विश्व की 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यह वह देश है जिसने COVID-19 को परास्त करके दिखाया है। यह वह देश है जहां पर जब राम मंदिर के निर्माण की बात चल रही है तो सारा राष्ट्र दिवाली मनाने को तैयार है। तो इसलिए मैं यह अलग स्थिति देखता हूं और मुझे इस बात का सौभाग्य है कि मैंने राजनीति में जब कदम रखा है सीधा, तो ऐसी पार्टी के नेतृत्व में रखा है जिसका उद्देश्य है नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। ये थे हमारे साथ सिविल लाइन्स से प्रत्याशी गोपाल शर्मा, जिन्होंने साफ कहा है कि राजस्थान में कमल खिलाएंगे और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को भी पूरा करेंगे। कैमरामैन देवेश के साथ सागर चौधरी, महानगर टाइम्स के लिए जयपुर।